हेलो फ्रेंड, मैं उपासना आपको अपने इस चैनल में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको होली के कुछ उपाय के बारे में बताऊंगी। मैं इस होली को सिर्फ रंगों से खेलकर ही नहीं मनाना चाहिए। उस होली के एक दिन पहले जो होलिका दहन होता है उसका कुछ विशेष ही महत्व है, और उस दिन कुछ कुछ उपाय करने चाहिए जिससे कि अपने आने वाले समय हमारा अच्छा बीते, दुर्भाग्य दूर हो, खुशी का पूरा साल खुशी खुशी बीते। इसके लिए तो ज्योतिष में होली की रात का विशेष महत्व है, होली के एक दिन पहले की रात का, जिसे होलिका दहन के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस रात में किए गए उपायों और शुभ काम करने से बहुत ही जल्दी शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस साल गुरुवार 1 मार्च को होलिका दहन होगा और 2 मार्च को होली खेली जाएगी। तो आइए मैं कुछ उपाय बताती हूँ कि होली, इस बार की होली आप कैसे मनाएं, वही मैं कुछ उपाय बताऊंगी। आप ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा वीडियो, अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और तो ध्यान से सुनिए, होली की रात 12 बजे मीन्स मिडनाइट में किसी पीपल के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए और पीपल का 7 परिक्रमा करें। इस उपाय से भाग्य की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। होली दहन के समय परिवार के सभी सदस्यों को होलिका की 3 या 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करते समय होलिका में चना, मटर, गेहूं, अलसी डालना चाहिए। ऐसा करने पर हमें स्वास्थ्य लाभ के साथ ही धन लाभ होने का भी योग मिलता है। होलिका दहन के बाद होली खेलने से पहले किसी मंदिर में देवी देवताओं को गुलाल चढ़ाना चाहिए। गुलाल कलर्स, सूखा ड्राई कलर जो होता है, चढ़ाना चाहिए। इससे सभी परेशानियों को दूर करने का प्रार्थना करना चाहिए। होलिका दहन के अगले दिन होलिका की राख से पुरुष को अपना तिलक लगाना चाहिए और स्त्रियों को ये राख अपनी गर्दन में लगाना चाहिए। इस उपाय से सभी प्रकार का बुरी नजर से रक्षा होता है। होलिका दहन के समय होलिका में कपूर डालना चाहिए। इससे हमारे आसपास मौजूद जो कीटाणु होते हैं, निगेटिव एनर्जी होती है, सब नष्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा, ये मैंने कुछ उपाय बताए हैं जो कि होली के दिन और होलिका दहन के दिन आप अवश्य ध्यान में रखें, और जितना हो सके ये पॉइंट्स जो मैं बताई हूँ, जो हो सके वो उसे अवश्य करें और आजमाएं। तो फ्रेंड्स, इस बार मैंने आपको बताया कि इस बार की होली आप कैसे मनाएं। तो मेरी ये बातें बहुत लोग, तो आप लोग जानते भी होंगे कुछ कुछ बातें, कुछ बातें नहीं जानते होंगे जो आपके लिए नई होगी। तो प्लीज़ इसे इस बातों को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल को भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।